ओके, सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज मैं आपको बता दूं कि इस टॉपिक के ऊपर और भी बहुत सारे यूट्यूबर्स वीडियो बना चुके हैं और मैं भी बना रहा हूं, तो प्लीज एक बार कॉपी लिखने से पहले पूरा वीडियो देख लेना, बिकॉज मैं आपको जो 10 तरीके बताने वाला हूं वो शायद उन लोगों से काफी डिफरेंट होंगे। तो सीधा चलते हैं वीडियो की तरफ। अगर आप कॉलेज में हो, स्कूल में हो और आप चाहते हो एक साइड अर्निंग हो जाए आपकी थोड़ी बहुत, जिससे आपकी कॉलेज की फीस निकल जाए, कॉलेज की ट्यूशन फीस निकल जाए, उसके अलावा अगर आप थोड़े बहुत कपड़े ले पाओ, तो मैं आपको कुछ करोड़पति वाली स्कीमें नहीं बताने वाला हूँ आज, मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूँ जिससे आप महीने का ठीक ठाक कमा लोगे, मतलब उसमें आपकी ट्यूशन फीस, स्कूल फीस, ये सारी चीजें निकल जाएगी, उसके अलावा आप थोड़े बहुत कपड़े और आपकी जो भी एक्सेसरीज या फिर जो हेयर वैक्स वगैरह आते हैं आप, मतलब इन शॉर्ट आप खुद के खर्चे निकाल लोगे। टिप नंबर वन, आपको देखना है कि आप किस चीज में एक्सपर्ट हो। जैसे अगर मैं मेरा एग्जांपल दूं आपको, तो एक टाइम पे ऐसा था जब मैं ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स कर रहा था, मतलब वेबसाइट डिजाइनिंग का मैं कोर्स कर रहा था, उसके अंदर ग्राफिक डिजाइनिंग भी था और मैं उस चीज में काफी अच्छा हो गया था। तो एक वेबसाइट है freelancer.com जिसके ऊपर आपको बहुत सारे ऐसे वर्क्स मिल जाएंगे जो ग्राफिक रिलेटेड होंगे या फिर इस टाइप के होंगे। तो आपको देखना है कि आप किस चीज में बेटर हो। अगर आप अच्छे लिख लेते हो या फिर आपकी ग्राफिक डिजाइनिंग अच्छी है या फिर आप ऐसी और भी किसी चीज में परफेक्ट हो या फिर अच्छे हो, तो वहां पे आपको काफी अच्छी अच्छी जॉब मिल जाएगी। $5 के आसपास एक एक जॉब का मिल जाता है आपको, जो काफी सही रेट है। अर्निंग का दूसरा तरीका आता है इंस्टाग्राम। आप इंस्टाग्राम से भी पैसा कमा सकते हैं, वहां पे आपको बहुत सारे स्पॉन्सर्स मिल जाएंगे अगर आपके सब्सक्राइबर अच्छे खासे ठीक ठाक होंगे तो। अब सेकंड चीज जो हमारे दिमाग में आती है कि भाई ठीक है स्पॉन्सर्स मिलेंगे, लेकिन उसके लिए हम सब्सक्राइबर भी तो चाहिए, बिना सब्सक्राइबर के कौन स्पॉन्सर देगा, तो सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है, सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए दो चीजें आपकी कंप्लीट मदद कर देगी। सबसे पहली चीज है आप अच्छे अच्छे फोटोज डालो। अगर आपके पास DSLR नहीं भी है ना भाई, तो भाड़ में क्या, DSLR नहीं चाहिए, मैंने आप एक वीडियो बनाया, प्लीज आप वो जाके वो वीडियो देख लेना, उसके अंदर मैंने आपको बताया कि आप बेस्ट सेल्फीज कैसे ले सकते हो, लेकिन हमेशा सेल्फी नहीं सही रहेगी। इसीलिए जो सेकंड चीज आप डाल सकते हो सकती है म्यूजिकली, तो आप म्यूजिकली पे अच्छे अच्छे वीडियोस बनाओ, उसको पोस्ट करो इंस्टाग्राम पे, तो यहां से आपको काफी अच्छे फॉलोअर्स मिल जाएंगे और वहां से आपको मिल जाएंगे ब्रांड्स जो आपके साथ काम करना चाहेंगे। टिप नंबर 3, आज भी हमारे देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको टिकट बुक करना नहीं आता है ऑनलाइन, जिनको लाइट बिल भरना नहीं आता, जिनको पानी का बिल भरना नहीं आता, जिनको टीवी रिचार्ज करना नहीं आता, मोबाइल रिचार्ज करना नहीं आता ऑनलाइन, तो ये सारे काम आप कर सकते हो पेटीएम के थ्रू कर सकते हो, तो वहां से आपको कैशबैक भी मिल जाएगा। आप समझो कोई कैशबैक ऑफर चल रही है पेटीएम पे, ठीक है, आप उसका अगर रिचार्ज कर दे तो वहां से आपको कैशबैक मिल जाएगा। एक बहुत छोटा पैसा होगा, मैं मान रहा हूँ काफी कम मिलेगा, लेकिन सिर्फ उसके ऊपर तो रिलाई नहीं करूंगे ना, आप वहां से रेलवे बुकिंग कर सकते हो, वहां पे तो आपको अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा। तो आपको इस तरीके से, मतलब जो ऑनलाइन कुछ काम है ना, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया या फिर कोई रेलवे टिकट हो गया, तो आपको खाली इतना बताना है अपने घर के आसपास में कि मैं एक ऐसा इंसान हूं जो आपकी रेलवे टिकट ये सारी चीजें मैं आपको बुक करके दे सकता हूं, उसके बदले में मैं कुछ परसेंट चार्ज करता हूं, और कोई मना नहीं करेगा यार, रेलवे में इतनी लंबी लाइन लगती है, उससे अच्छा है वो लोग थोड़ा पैसा आपको ही दे देंगे। अभी भी कह रहा हूँ ये वीडियो पूरा देख लेना, क्योंकि एक तरीका काम नहीं करेगा, दो नहीं करेगा, तीन नहीं करेगा, चार नहीं, लेकिन 10 तरीके बता रहा हूँ भाई, उसमें से कुछ ना कुछ तो आपके लिए काम करेगा। तो चलिए यार टाइम बर्बाद नहीं करते, हमारी जो फोर्थ चीज आती है वो आती है ट्यूशन क्लासेस। बिल्कुल सही सुन रहे हो, ट्यूशन। अगर आप सोचो आप 11th या 12th में, तो आप आराम से 8वीं या 9वीं के बच्चे को आराम से पढ़ा सकते हो, तो वहां से भी आप काफी अच्छी अर्निंग कर सकते हो, तो ये तरीका आपके लिए बहुत ज्यादा बेस्ट हो सकता है ट्यूशन पढ़ाना अपनी एक दो क्लास छोटे बच्चों को। टिप नंबर 5, ये मेरा एक भाई करता है और उसका काम बहुत अच्छा चल रहा है, और ये काम आप भी कर सकते हो। आपको करना क्या है, ये एक्चुअली थोड़ा ना क्लोथिंग रिगार्डिंग चीज के अंदर आ जाता है। आपको क्या करना है, टी शर्ट प्रिंटिंग का काम करना है। बहुत इजी है, जितना लंबा नाम है ना इतना हार्ड काम नहीं है, बहुत सरल काम है। चीजें क्या क्या लगेगी, सबसे पहले आपको क्या करना है, डायरेक्ट बनाना नहीं है, इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट नहीं करना है, आपको क्या करना है, सबसे पहले एक टी शर्ट एडिटिंग करनी है सिंपली उस टी शर्ट के ऊपर, और उसके ऊपर आपको जो भी लग रहा है कि अभी जो ट्रेंडी चीजें चल रही है उसको प्रिंट करना है, ठीक है। फिर आप वो स्टिकर को, मतलब आप जो वो फोटो है ना, अभी जो टी शर्ट की फोटो, उसको आपके जितने भी ग्रुप है उनमें भेज दो और सबको पूछो ये टी शर्ट चाहिए क्या, टी शर्ट चाहिए क्या। जितने लोग हाँ बोलेंगे, देखो टी शर्ट प्रिंट करने के लिए ना ज्यादा से ज्यादा 30 रुपए मैक्सिमम, इससे ज्यादा कोई नहीं लेता है। 70 रुपए की टी शर्ट पकड़ लो, 30 रुपए प्रिंटिंग चार्ज हो जाएगा, कितने हो गए, 100 रुपए की टी शर्ट पड़ गई, भेज दो 200 में। अब ये जो मैंने चार्जेस बताए, शायद ज्यादा भी हो सकते हैं, शायद कम भी हो सकते हैं, आपको जाके देखना है कि ये ज्यादा या कम है, बिकॉज मेरी एक ब्रांड है क्लोथिंग और मैं इतने में ही प्रिंट करवाता हूँ। मेरा टी शर्ट का मटेरियल थोड़ा महंगा आता है, लेकिन प्रिंटिंग चार्ज इतना ही होता है। टिप नंबर 6, असाइनमेंट। अब ये भी एक काफी अच्छा वे है अर्निंग के लिए। अब आपको क्या करना है, जो आपसे बड़ी क्लास वाले ना, जैसे इंजीनियरिंग वाले होते हैं ना, इनको बहुत सारी नोट्स लिखने की आती है। अगर कोई हायर स्टडीज कर रहा होता है ना, उसको बहुत सारी नोट्स आती है लिखने की, उसको साथ में पढ़ाई भी करनी है, नोट्स भी कंप्लीट करना है, तो वो ना कंप्लीटली फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। तो उसको कोई चाहिए होता है ऐसा इंसान जो उसकी नोट्स कंप्लीट कर सके। कुछ नहीं करना है भाई, आपको सिर्फ अपनी पेन उठानी, उसकी नोटबुक लेनी है और काम करना है, उसके बदले में आप
जो भी आपका रेट रखना चाहो वो रख सकते हो, तो ये भी काफी अच्छा आपके लिए अर्निंग सोर्स हो सकता है। टिप नंबर 7, बहुत ट्रेंडी चल रही है अभी ये चीज, एक गेम है जिसका नाम है पबजी। ये गेम के अंदर आपको बेसिकली अर्निंग कैसे हो सकती है, तो थोड़ा सा ना सिंपल चीज है समझना। यहाँ पे ना एक गेम के ऊपर आपको कुछ सर्वर एक लेना पड़ता है जहाँ पे आप 100 लोगों को एक साथ खिला सकते हो। आप हर एक से 25-25 रुपए ले सकते हो, ठीक है। जैसे ही आपके 100 लोग हो जाएंगे खेलने वाले, तो आपको मिलेंगे 2500 रुपीज। अगर आप सबसे 25 लोगे, 25 रुपए आपको इंसान कब देगा, जब आप उसको बोलेंगे फर्स्ट प्राइज है 500 रुपए का, सेकंड प्राइज है 300 का, थर्ड प्राइज है 200 का, इस टाइप से मतलब चल रही है। ये वाली चीज आज के टाइम में बहुत सारे लोग कर रहे हैं। अगर आप YouTube पे सर्च करोगे तो याद होंगे, तो ऐसे आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें स्टेप बाय स्टेप ये वाली चीजें सिखाई गई है। अगर ये नहीं करना चाहते और गेमिंग के अंदर ही अगर गेमिंग के अंदर ही कुछ आपको और करना है, तो क्या कर सकते हो, जो मैं करता था, मैं ना मेरे स्कूल टाइम के अंदर मैं क्रिकेट टूर्नामेंट अरेंज करवाता था। ये वाली चीज भी आप काफी अच्छे से कर सकते हो। सेम पबजी वाला ही सीन होता है, फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज, थर्ड प्राइज, और काफी सारी टीम्स होती है। ये आप अपनी लोकल एरिया में भी कर सकते हो, आप सोसाइटी वाइज आप क्रिकेट मैचेस करवा सकते हो। इसमें क्या होगा, आपको दो चीजें मिल जाएगी कि कोई इवेंट अगर आप करवाना चाहो तो वो आप कैसे करवा सकते हो। तो ये वाली चीज एक्सपीरियंस के लिए भी अच्छी है। अब ये वाली चीज ऐसे मत समझना हम 8वीं 9वीं में और ये चीज कर लूंगे, नहीं, ये वाली चीज है अगर आप कॉलेज के अंदर हो तो आपके लिए बहुत इजी होगा करना, बिकॉज आपका फ्रेंड सर्कल भी काफी बड़ा होगा, तो बातों से बातें फैलती जाएगी, तो ये वाला काम आपके लिए काफी इजी हो जाएगा। टिप नंबर 8, इसके अंदर आपको क्या करना है, ये वाली चीज भी यार ना कमाने की बहुत शानदार है। आपको क्या करना है, सिर्फ एक बड़ा यूट्यूबर पकड़ना है, उसका इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक अकाउंट मैनेज करना है। बिकॉज देखो, एक टाइम आ जाता है एक यूट्यूबर के लाइफ में जब उसके सब्सक्राइबर बहुत ज्यादा बढ़ गए होते हैं और उसको बहुत सारे मैसेज आ रहे होते हैं दिन के, और पॉसिबल नहीं है हर एक को रिप्लाई कर पाना, हर एक की क्या क्या प्रॉब्लम है उसको देख पाना। तो वो जो बंदा होता है ना, वो क्या करता है, सबके मैसेजेस देखता है, ठीक है, फिर वहां से उसकी जो प्रॉब्लम्स होती है ना, वो यूट्यूबर को बताता है कि इसको ये प्रॉब्लम है, आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ, ये ज्यादा मांग रहे लोग। तो ये वाली अगर आप चीज करोगे, मतलब सिंपली आपको क्या करना है, कोई भी बड़ा यूट्यूबर हो उसका इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक अकाउंट आपको मैनेज करना है, उसके बदले में आपको काफी अच्छा पैसा मिल जाएगा। अब बात करते हैं मेरी, क्या मैंने कोई इंसान रखा है या नहीं रखा है, तो बिल्कुल मैंने एक इंसान रखा है जो मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों संभालता है। आप जितने भी टॉपिक्स बताते हो वो मुझे आके बताता है कि मन इस टॉपिक पे वीडियो बना, ये लोग ज्यादा डिमांड कर रहे हैं। टिप नंबर 9, अगर ये सारे तरीके यूज करके आप पैसे बना लेते हो, तो जो मेन चीज आती है ना, वो आती है पैसों को सेव करना। अब एक कहावत है, मनी सेव इज मनी अर्न, मतलब तुमने जितना बचाया वो तुमने उतना कमाया, ठीक है। तो आपको सेविंग के ऊपर भी ध्यान देना है। सेविंग के ऊपर ध्यान कैसे दे सकते हैं, इसके अंदर आती है हमारी टिप नंबर 10। अब सेविंग के ऊपर कैसे ध्यान दे सकते हैं, अब समझो मैं आपको बहुत सारी चीजें बता देता हूँ। कभी मैं आपको बोलता हूँ ये वाला नेक्स अच्छा है, कभी मैं आपको बताता हूँ ये परफ्यूम अच्छा है, कभी मैं आपको कपड़े दिखाता हूँ, कभी कुछ ना कुछ दिखाता हूँ। तो ये कॉल आपको लेना है कि क्या आपको उसकी सही में जरूरत है या नहीं है। मैं तो चीजें आपको आके बताऊंगा, बिकॉज मेरा काम ही यही है कि मैं आपको नई 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 चीजों के साथ अपडेट करता रहूं। लेकिन आपका काम क्या है, आपको चेक करना है कि ये वाली चीज मेरे काम की है भी या नहीं। मतलब मैं ऑलरेडी गोरा हूं, मेरे को पिंपल नहीं है, तो क्या ये फेस वॉश मुझे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो ये सारे कॉल आपको लेने। तो टिप नंबर 9 और टिप नंबर 10 यही है कि पैसा बचाओ और उसको सही जगह पे लगाओ। आई होप ये 10 पॉइंट आपकी मदद कर देंगे, बिकॉज बहुत सारे लोगों को मैंने ये चीजें बताई और वो काफी अच्छा अभी अर्न कर रहे हैं, काफी अच्छा मतलब खुद के खर्चे निकाल रहे। आई होप आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। और मैंने कहा था ना यार वीडियो के स्टार्टिंग में, कॉपी मत लिखना डायरेक्टली, वीडियो देख लिया होता ना तो कॉपी नहीं लिखा होता। तो आई होप आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करना ना भूले, शेयर करना ना भूले, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाओ यार सब्सक्राइब करो, ऐसी और वीडियोस मैं लाता रहूंगा आपके लिए। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।